मैनेज डाटा एंड स्कीमा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या करना होता है, करने समराइज करना होता है ओवरऑल जो भी हमारा एक पूरा मॉड्यूल होता है। अब कैसेंड्रा का जो हमारा कंप्लीट मॉड्यूल था, इसके अंदर कैसेंड्रा को इंस्टॉल करना, लिनक्स के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल होती है, विंडोज के ऊपर में किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, क्लाउड की कैसेंड्रा डेटाबेस को किस तरह यूज करेंगे, अपनी स्कीमास किस तरह मैनेज करेंगे, डेटाबेस किस तरह मैनेज करेंगे, बैकअप किस तरह लेंगे, उसमें टेबल्स क्रिएट किस तरह करेंगे, उसमें काम किस तरह करना होता है, अपडेट करना, क्यूरी करना या रीड करना, वॉट एवर जो भी हमने काम सारे करने होते हैं, ओवरऑल उसको एक हमने देखना होता है वो किस तरीके से है, उसे समराइज करना होता है। हमने जितना भी अपने टॉपिक्स को डिस्कस किया तो उस सबको हम एक दफा ओवरव्यू उसका एक लेंगे। तो ये हमारा जो है ना लास्ट समराइज मतलब कर रहे हैं हम उस चीज को, ताकि जो है ना एक रिवीजन बन जाए हमारे पास कि हमने क्या क्या जो है ना करना सीख लिया है कैसेंड्रा के साथ, या कैसेंड्रा डेटाबेस के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से डाटा को स्टोर करती है और किस तरीके से डाटा फिल्टर किया जाता है, इसका एग्जैक्ट जो है ना वे क्या है और किस तरह की हमको ये फैसिलिटीज जो है ना प्रोवाइड कर रही होती है।